कांग्रेस ने अपने 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने राजस्थान से 10 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों की इस लिस्ट पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिन 10 प्रत्याशियों के नाम जो सामने आए हैं वो सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं। जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान सचिन पायलट ने कहा, हरियाणा में एक मौजूदा लोकसभा सांसद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राजस्थान में भी एक मौजूदा लोकसभा सांसद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसलिए मौजूदा विधायक और सांसद हमारे पास हैं, पूर्व विधायक हैं, भाजपा में जा रहे हैं, इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए। नहीं, तो बहुत पुराना कानून था, इसको चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले लाया गया है। मुझे खुशी होती है अगर ये सरकार MSP पे कानून लेके आती, ये सरकार नरेगा की तरह कोई रोजगार संबंधी कानून लेके आती, जन कल्याण का ऐसा कोई कानून लेके आती, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, कोई भी काम अगर जनता के हित में होता है, सरकार कोई भी हो, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये जो किया गया है ठीक पूर्व संध्या पे चुनाव के, ये कहीं ना कहीं इसमें ध्रुवीकरण करने की कोशिश मैं समझता हूँ केंद्र सरकार की रही है। अब चंडीगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप देने के बाद न्याय वहां पर हम लोग ला पाए, करा पाए। अभी निर्वाचन आयोग जो हमारे कमिश्नर हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो जनता के मन में एक संदेह पैदा कर रही हैं कि जो विश्वसनीयता है संस्थानों की, जो क्रेडिबिलिटी है, वो कहीं कमजोर ना हो। और सरकार जानबूझकर ऐसा कदम उठाती है कि विश्वसनीयता कमजोर हो हमारी संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं की, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सचिन पायलट ने आगे ये भी कहा कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं और हमारे नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं, उनका पार्टी में स्वागत किया जा रहा है और उन्हें मौका दिया जा रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने उनके प्रदर्शन और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर लोगों को मौका दिया है। अभी हरियाणा में एक वर्तमान लोकसभा सांसद थे, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। राजस्थान में वर्तमान लोकसभा सांसद, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। तो हमारे पास तो वर्तमान सांसद विधायक आ रहे हैं और बीजेपी में सब पूर्व जा रहे हैं जो कभी हुआ करते थे। तो इस बात को भी जनता को समझना चाहिए। जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा को ग्रहण कर रहा है और जो हमारे लंबे इतिहास को स्वीकार कर हमारे नेतृत्व में विश्वास कर रहा है, उस व्यक्ति को पार्टी में ले भी रही है और मौका भी दे रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने लोगों को मौका दिया है उनकी परफॉर्मेंस देखकर और उनका पार्टी की तरफ कमिटमेंट देखकर। और सभी जो 10 अब तक नाम आए हैं वो सब जिताऊ उम्मीदवार हैं हमारे। पहले साहब, ये गंभीर मामला है कि पूर्व मंत्री अशोक गहलोत सरकार के वो एक साथ जाते हैं, तो कहीं नुकसान नहीं कर रहा था? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई पार्टी छोड़ता है, उनकी क्या मजबूरियां थी, क्या व्यवस्थाएं थी, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अचानक कितना बड़ा हृदय परिवर्तन होना चुनाव से ठीक पहले, जनता सवाल पूछ सकती है कि वैसा इस मौके पर क्यों किया गया। बहरहाल, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा को चुनने में, अपने राजनीतिक रास्ते को चुनने में, और ये समय और जनता बताएंगे कि ये निर्णय सही था या गलत था। मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 साल के कार्यकाल के बाद, अब मैं कई राज्यों में दौरा मैंने किया है, अच्छा माहौल हमारे इंडिया अलायंस का बन रहा है। हमारे एक दो घटक दलों से हमारी समझौते पूरी तरह संपूर्ण नहीं हो पाए हैं, लेकिन बहरहाल जो 2 दर्जन पार्टियां लड़ रही हैं इंडिया अलायंस में, मजबूती से लड़ रही हैं, और मुख्य मुकाबला उत्तर भारत में खास तौर से भाजपा कांग्रेस का होगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा, मैंने कई राज्यों का दौरा किया है और इंडिया अलायंस के लिए एक अच्छा माहौल बन रहा है, खास तौर पर उत्तर भारत में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि राहुल गांधी का सूची में असर नहीं दिखाई दे रहा है। सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि गहलोत पायलट कैंप के खुश करने के लिए ही राहुल गांधी दूर हो रहे हैं। गहलोत पायलट ने जिन नामों का सुझाव दिया उन्हें ही टिकट मिला है। 10 उम्मीदवार किसी न किसी कैंप से जुड़े हुए हैं। अलवर से ललित यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं, जबकि बिजेंद्र ओला और हरीश मीणा पायलट कैंप के माने जाते हैं। वहीं बाकी उम्मीदवार गहलोत कैंप के माने जाते हैं। फिलहाल पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर साफ कर दिया है कि सीनियर नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। पहले गहलोत, पायलट
और डोटासरा के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन पार्टी ने नए लोगों को टिकट दिया है। खास बात यह है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में किसी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। पहली लिस्ट में किसी अल्पसंख्यक को भी टिकट नहीं दिया गया है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।